हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने घर में छोले भटूरे। तो चलिए, मैंने सोचा कि आप सबके साथ शेयर करूँ छोले भटूरे की रेसिपी। तो ये है छोले, मैंने दिन सुबह में भिगने के लिए डाल दिए थे। तो ये भिगे हुए छोले हैं, इसको मैं पहले बॉयल करूँगी। मैंने धो के भिगोए थे, तो ये पानी सही से डाल दूँगी। हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने और थोड़ी सी एक चम्मच ऑयल डाल दूंगी ताकि ये उड़े नहीं। देख सकते हैं, और गैस चलाएंगे इसको हम उबलने के लिए चला देंगे। एक चीज और करूंगी मैं आपको दिखाती हूँ, ये है चाय की पत्ती। इसको मैं एक कपड़े में, सूती कपड़े में बांध के छोले में डाल दूंगी दो तीन चम्मच। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें, ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। इसको हम पोटली बना के छोले में अपने रेत देंगे, डाल देंगे। ये है हमारी चाय पत्ती की पोटली, इसको हम छोले में डाल देंगे। अब इसमें हम चार से पांच सीटी लगाएंगे। दो से पाँच से छः सीटी लगाएंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। आज आधा इंच अदरक का टुकड़ा, ये चार से पाँच हरी मिर्च, छः सात कलियाँ लहसुन की, तीन टमाटर और ये प्याज। अभी सबको हम काट लेते हैं। फिर काट के
छोले की तैयारी हमने कर ली है, तब चलिए हम भटूरे का आटा लगा लेते हैं। तब तक फिर इसको टाइम भी मिल जाएगा भीगने के लिए। तो ये हमने दिया है मैदा। अब मैदे में हम थोड़ी सी सूजी मिलाएंगे। घर पे हम बाजार जैसा भटूरे खाना हो तो ये सबसे आसान और सस्ता तरीका है घर पे भटूरे बनाने का, आप भी जरूर ट्राई कीजिए। इसमें हम सूजी डाल देंगे, थोड़ी सी डालेंगे 3 बड़ी चम्मच, और ये है इनो। ये इनो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये एक पैकेट इनो डाल देंगे, अब ये इनो डाल देंगे, हम थोड़ी पैकेट डाल देंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम एक काम और करेंगे, क्योंकि हम घर के लिए बना रहे हैं तो हम देख सकते हैं दोस्तों मेरा आटा तैयार हो गया है। तो मैं 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ। क्रिस्पी मेरा इतना ज़्यादा आटा है, आप सबसे कम, ये मेरा 1 किलो मैदा है, आप आधे किलो मैदे का बना सकते हैं। देख सकते हैं ये 7 से 8 जनों के लिए मेरा भटूरा क्या तैयार है। तो थोड़ी देर हम छोले के लिए डाल देते हैं। अब हमारा छोला भी बन चुका है, हमने गैस बंद कर दिया। आप देखते हैं क्या पोजीशन है, तो देख सकते हैं पानी बंद कर लिया है। अब इसको हम हटा देंगे। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब इस पर मैंने ये छोले हमारे जो बनाए हैं इसको हम प्याज लहसुन से फ्राई करेंगे। चलिए अब कढ़ाई गर्म बना लेते। तो गर्म हो चुका है हमारा कढ़ाई, इसमें हम ऑयल डाल देंगे और मसाले में है ये हमारा हल्दी, हल्दी पाउडर है, ये देख सकते हैं ये है हमारा मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा, ये डालेंगे। पहले हम जीरा डालेंगे इसमें, और ये है हमारा गरम मसाला, मिक्स मसाला। इसमें हमने सब कुछ मिक्स करवा रखा है, तो इससे छोले की में खुशबू भी आएगा और स्वाद भी इसका बढ़ेगा। ये हमारा प्याज गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें ये टमाटर डाल देंगे, और ये जो हमने मिर्ची अदरक और लहसुन को कूटा था ये डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक क्योंकि हमने उबलने में भी डाला था तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 चम्मच डाला है, 1 चम्मच इसमें डाला, 1 चम्मच इसमें हल्दी भी हमने उसमें डाल दिया था। मिर्ची पाउडर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि कलर पकड़ ले। यह है धनिया पाउडर, ये छोटे चम्मच से 3 चम्मच धनिया पाउडर, और ये छोटे चम्मच से 3 चम्मच मिर्ची पाउडर, और ये है हमारा गरम मसाला पाउडर। देख सकते हैं गरम मसाला पाउडर भी हम 1.5 चम्मच डाल देंगे। अब धीमी आँच पे इसको हम पकाएंगे। टमाटर खा देंगे, धीमी आँच कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा मसाला तैयार हो गया है, कितना सुंदर लगा है। अब ये सारा मिल गया है, तो एक चीज़ और ऐड करेंगे हम, ये उबले हुए आलू है, 2 आलू है, इसको भी ऐड करेंगे। क्योंकि अक्सर मैंने बाजार में जब भी देखा है तो बाजार जैसे छोले भटूरे मैंने बनाए हैं तो उसमें आलू भी डले होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है टेस्टी लगता है खाने में। अब हम इसमें छोले ऐड करेंगे, जो हमारा हमारा उबला हुआ छोला है इसको हमने ऐड कर दिया। इसको हमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में गाढ़ा, ये गाढ़ा हो ही जाएगा पहले से, तो हम इसी में कुकर में पानी डाल के डाल देंगे। इसको तेज आँच पे हम इसको पकाएंगे। हमारा छोले अब हम भटूरे बनाएंगे। चलिए अब इसके गैस को बंद कर देते हैं। चलिए अब हम भटूरे बना लेते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, देखते हैं
फुला फुला सा। कितना जम करेगी इसमें टेस्टी के बाद सलून जिसके बाद